जयपुर में चल रहे साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन आज 46 सत्रों में 150 से भी ज्यादा साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों ने विभिन्न विषयों पर संवाद किया। वहीं आज सुबह फ्रंट लॉन में सुधा मूर्ति ने मेरू गोखले के साथ जीवन और आध्यात्म पर संवाद किया। इसके अलावा लेखक इरफान हबीब ने स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद के जीवन और उनके योगदान के अनछुए पहलू पर भी चर्चा की। वहीं पत्रकार निधि राजदान ने लेखक इंद्रजीत रॉय और शशि थरूर के साथ लोकतंत्र में आज की चुनौतियों पर विचार रखे। शशि थरूर ने कहा कि जितना लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है उतना वोट देकर उसकी भागीदारी निभाना भी है। मेक्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डोंट डू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इमीडिएटली, पेशेंस, वेटिंग, देन व्हाट जॉय यू गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And we should not give what children ask. They ask cycle, you get a motor car. You tell them cycle, no? Nobody asks cycle nowadays. Anyway, you tell them, okay, after 6 months, postpone it all your needs for every 6 months. Yeah. And when it's inevitable, then only you buy. There'll be a peer pressure. There'll be a lot of demands. I think the time is up. The institutions are what give body and strength to our democracy, whether it's parliament, whether it's an independent election commission that is immune to governmental influence, whether it's the newly created institutions like the Information Commission after the passage of the Right to Information Act.